अज मैं तुहानू बहुत ही हिस्टोरिकल जगह बहुत ही इतिहासिक जगह ते लेके आया हाँ। अज मैं जिथे खड़ा हाँ इस नू कहंदे ने गुरुद्वारा दुख निवारण साहब पातशाही नौवीं। जदों गुरु साहब बहादुरगढ़ तो चल के इत्थे आए सन तो इस जगह ते एक बूटा हुंदा सी पेड़ हुंदा सी उसदी छां दे थले बैठ गए जी और इत्थों दी कोई लोक संगत बाबा जी आए उन्होंने अरदास की बाबा जी अगे बेनती की बाबा जी साडे पिंड दे विच लोग बहुत ज्यादा गरीब रहिंदे ने बहुत ज्यादा गरीब ने और बहुत सारिया बीमारियां नाल पीड़ित ने प्लीज कृपा करो उन्होंने मेरा पर हाथ रखो ता जो वह भी ठीक हो सकन। फिर गुरु साहब जी ने इस छपड़ी बारे उन्होंने दसिया कहिंदे भी जो भी इस छपड़ी विच नहाएगा सच्चे दिलों अपनी अरदास करेगा और उन्होंने सारे दुख दूर हो जाएंगे इसे करके इस गुरुद्वारे का नाम दुख निवारण साहब पाया गया। संगत जी हुण आपां गुरुद्वारे साहब अंदर चलांगे अंदर चल के दर्शन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। हाँ जी संगत जी सत श्री अकाल सारयां नूं तुसीं अज दर्शन कर रहे हो गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब पातशाही नौवीं पटियाला। हाँ जी संगत जी गुरुद्वारे के बाहर के दर्शन है जी दृश्य है जी तुसीं देख सकते हो जी बहुत ही इतिहासिक हिस्टोरीकल सिख इतिहास में बहुत ही हिस्टोरीकल जगह मनी जा रही है जी इस जगह में और संगतां दा हजूम घट देखा जा रहा है गुरुद्वारे के बाहर है जी ड्यूड़ी साहब के बाहर है जी। हुण आपां गुरुद्वारा साहब के अंदर चलांगे तो फिर तुहानूं अंदर का नज़ारा दिखावांगे जी की माहौल है जी अंदर का। शाम का समय हो गया जी 3 बजन लगे जी सूरज देवता जी अपने आखिरी समय के चल रहे हैं। गुरपुरब दी तैयारियां चल रही जी संगत जी आप गल कर रहे हैं जी अज गुरु नानक देव साहब जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा जी गुरपुरब कल गुरपुरब है जी और अज असी इतने नवे पातशाह जी के दरबार साहब विच पहुंचे हुए हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का अज का फरमान गुरुद्वारा दुख निवारण साहब धन धन श्री गुरु तेग बहादुर जी अज मैं तुहानूं बहुत ही हिस्टोरिकल जगह बहुत ही इतिहासिक जगह ते लेके आया हाँ। अज मैं जिथे खड़ा हाँ इस नूं कहिंदे ने गुरुद्वारा दुख निवारण साहब पातशाही नौवीं। जदों गुरु साहब बहादुरगढ़ तो चल के इत्थे आए सन तां इस जगह ते एक बूटा हुंदा सी पेड़ हुंदा सी उसदी छां दे थले बैठ गए जी और इत्थों दी कोई लोक संगत बाबा जी आए उन्होंने अरदास की बाबा जी अगे बेनती की बाबा जी साडे पिंड दे विच लोग बहुत ज़्यादा गरीब रहिंदे ने बहुत ज़्यादा गरीब ने और बहुत सारिया बीमारियां नाल पीड़ित ने प्लीज़ कृपा करो उन्होंने मेरा पर हाथ रखो ता जो वह भी ठीक हो सकन। फिर गुरु साहब जी ने इस छपड़ी बारे उन्होंने दसिया कहिंदे भी जो भी इस छपड़ी विच नहाएगा सच्चे दिलों अपनी अरदास करेगा और उन्होंने सारे दुख दूर हो जाएंगे इसे करके इस गुरुद्वारे का नाम दुख निवारण साहब पाया गया। संगत जी हुण आपां गुरुद्वारे साहब अंदर चलांगे अंदर चल के दर्शन करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। जी संगत जी तुसी निशान साहब की सेवा के दर्शन देख रहे हो जी निशान साहब की सेवा चल रही है जी और बहुत ही जंगी पद्धर ते बहुत ही उच्चा है जी आपां छत ते चढ़ जाइए ना आपां छत ते चढ़ जाइए 10 फुट थले देखिए तो चक्कर आने लग जाते हैं जी और ये देखो निशान साहब कितना उच्चा है जी और कित्थे पहुंचना संगत ने बहुत ही उचाई दे सिंह चढ़े हुए है जी। वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी खालसा।
सिंह अपनी सेवा निभा रहे ने निशान साहब जी दे ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁੰਮਦ ਲਈ ਸੇਵਾ ਗੁੰਮਦ ਲਈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੁੰਮਦ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਗੁੰਮਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੋਨੇ ਚੜ੍ਹਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ये गुमत की सेवा ली है जी संगत जिन्नी भी है उसकी दसवंध कढ़ते ने जी ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਵਾ ਲੈਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਹਾਈ ਜਿੱਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰ ਆਏ Thank you.
ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸਨ 1670 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਓ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੱਕ ਫੈਲਾਓ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜੁੜਨ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।